नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन चौधरी और आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं हिसार के जिला मुख्यालय कांग्रेस का जो है उसके बाहर, और यहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, और जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। मामला क्या है ये आपको पूरा बताते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि जो किसान है वो हरियाणा में जाकर विरोध प्रदर्शन करें, उसके ऊपर कांग्रेस जो हरियाणा की थी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके विरोध में बीजेपी ने आज कांग्रेस का जो जिला मुख्यालय हिसार में है उसके बाहर पंडाल सजाया है और 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी पहुँच चुके हैं, और किसानों ने भी जिस तरह से ऐलान किया था कि बीजेपी और जेजेपी के जो कार्यक्रम हैं, और किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और इन्हीं पर धरना प्रदर्शनों को देखते हुए हिसार प्रशासन ने भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया है। आरएएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है, हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, और रोड के दोनों साइड धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। एक साइड बीजेपी है तो दूसरी साइड कांग्रेस है। इसी को देखते हुए जो सड़क है उसके बीच में, दोनों प्रदर्शनों के बीच में बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसक स्थिति ना हो और एक दूसरे से ना उलझे दोनों ही पार्टियां। फिलहाल आपको बताएं तो धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला भी फूंका है, लेकिन जल्द ही पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को काबू में कर लिया, कांग्रेस के नेताओं को काबू में किया। दोनों ही तरफ से पुलिस समझा रही है, दोनों ही नेताओं को समझा रही है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, या फिर वो किसान ही क्यों ना हो, कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने दें। दोनों ही सामान्य तरीके से फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल तक की बात की जाए तो स्थिति जो है वो शांतिपूर्वक बनी हुई है, और शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है वो चाहे किसानों का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, चल रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, तो वहीं किसानों का क्या पक्ष है, ये सब आपको सुनवाते हैं किसान नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से और बीजेपी के नेताओं से। मुद्दे की कोई विशेष बात नहीं है, बात बड़ी इतनी सी है कि पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, और इसने बड़ा ही एक बड़ा गंदा बयान दिया, और उन्होंने किसान भाइयों को ये कहा कि भाई तुम यहाँ धरना दोगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो बोले तुम जाकर हरियाणा में गुंडागर्दी करो। अब हमारी तो इतनी बात है कि एक पंजाब के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पूरा देश एक है, और वो ये कहे कि एक सूबे से जाकर दूसरे सूबे में बदमाशी करो, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो हरियाणा में कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस भवन के सामने इसलिए बैठे हैं कि भाई तुम अपनी बात को क्लियर तो करो कि तुम्हें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जो ये बयान है ये प्यारा लगा या नहीं लगा, ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि भाई मुख्यमंत्री पंजाब ने ये बात ठीक कही या नहीं कही। इतनी बातें बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तो अपना स्टैंड क्लियर करें। हम आज केवल इसलिए बैठे। गुप्ता जी, अभी जब कांग्रेस के नेताओं का मीडिया ने बयान दिया तो उनका ये कहना था कि कैप्टन अमरिंदर का जो बयान था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और केंद्र में है, तो हरियाणा में जाकर अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो केंद्र की बीजेपी गुंडागर्दी जाकर हरियाणा में करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। अगर इस बयान का ये समर्थन करते हैं तो हम इनका विरोध करते हैं, और हम यहाँ बिल्कुल ठीक बैठे हैं। गुप्ता जी, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर भटकाने वाली कोई बात ही नहीं है। जो 3 कानून है वो अपने आप में बड़े स्पष्ट हैं, और उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक के लिए रोका हुआ भी है। और मेरा एक और प्रश्न है, बड़ा सीधा सा, आपको भी है, सबको है, ये 3 कानून जो भारत सरकार ने बनाए, ये 3ों कानून विकल्प के रूप में हैं। हमने ये कहा कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, तो अगर आपको ये लगता है
कि कहीं भी बेचना कोई अच्छा कानून नहीं है तो आप मत बेचिए, ये विकल्प तो है ही आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें। हमने ये जो कानून है ये विकल्प के रूप में दिए हैं, और जब विकल्प के रूप में दिए हैं तो फिर इसका विरोध और समर्थन की कोई बात नहीं रह जाती। मैं आपको एक विकल्प दूं कि आप तैरना सीख लो, आपको भड़का दिया उन्होंने, तैरना सीखेगा तो डूब जाएगा, मेरी बात सुनो। अरे आपको अगर नहीं पसंद आप मत सीखो। और किसान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उस पर आप नहीं, मेरी जो मैंने अपना स्पष्ट विजन कानून के बारे में रखा, रखा कि नहीं रखा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज के कांग्रेस वालों ने, क्योंकि उनके पल्ले अब कुछ रहा नहीं, उन्होंने 65 से 70 साल राज किया, क्या किया उन्होंने, कश्मीर का मुद्दा उलझाकर छोड़ दिया, धारा 370 लगा दी, हमारे मोदी जी ने आकर एक सेकंड में उसका खात्मा कर दिया, फिर उड़ी का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, गलवान घाटी में युद्ध हुआ, और उनके राज में चाइना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली। राजा हरि सिंह ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर मैं हिंदुस्तान को देता हूँ, 73,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने। कांग्रेस तो किसानों के साथ आम जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई, मोदी साहब लेकर आए, केंद्र सरकार ने वापिस लेने, मगर ये शर्म कर नहीं करते। ये मोदी खिलाफ बोलने के बजाय ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठ गया, जबकि 3 कृषि कानून कोई कांग्रेस नहीं लगा, कांग्रेस ने लागू नहीं किए, कांग्रेस ने वापिस लेने, मोदी ने वापिस, मोदी खिलाफ बोलना थी। ये उकसाकर किसानों को उकसाकर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, सिर फोड़ दिए, लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के दौरे दे, इसी तरह हमें उकसाकर भाईचारा खराब करने तुली हुई है। 20 आदमी और किराए के टट्टू ला रखे हैं, 800 पुलिस वाले जवान लगा रखे हैं, पूरे हिसार जिले की पुलिस यहाँ लगा ली, इतना भारी हरासमेंट किया है, और हजारों कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पर शांति भी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारी व्यापारी के साथ है, उनकी हित की लड़ाई लड़ती ही रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, इसमें कोई जोड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर यह बयान दिया था कि जो हरियाणा में जाकर वो आंदोलन करें, पंजाब में ना करें, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया, इसका उसने अमरिंदर ने एक बयान दिया है कि केंद्र सरकार ने लागू किया, आप आंदोलन केंद्र सरकार में करें, दिल्ली में जा करें, जब पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया, पंजाब सरकार पे अधिकार वापिस लेने नहीं है, तो आंदोलन जिसने वापिस लिया वो करे। कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन पंजाब का किसानों साथ, हरियाणा साथ, पूरे देश के किसानों का के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और पूरा साथ दे रही है। अमरिंदर सिंह के जो बयान आया था उस बयान पर हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्हें यही कहा है कि केंद्र सरकार ने लागू किया, आप दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करें, दिल्ली सरकार ने वापिस लेने, तुम्हें गलत क्या लेना, उन्हें वापिस अमरिंदर ने वापिस लेना है क्या, अरे हमने वापिस कांग्रेस ने वापिस लेना, बताओ हम वापिस ले लें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हाथ तो प्रधानमंत्री का है, उसके हाथ में, उसके खिलाफ बंद। बीजेपी का आरोप है कि जो कांग्रेस है उसने किसानों को भी यहाँ पर बुलाया, जबकि ये नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया, किसान के खिलाफ है ये बीजेपी वाले, शहरों में गांवों में घुस नहीं सकते, उनके खिलाफ पड़ेगी, काले झंडे लेकर लोग गो बैक के नारे लगाते हैं, वही गो बैक के नारे इनके आज लग रहे हैं। ये हालात हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर, ये अपनी जेब बिटाने के लिए दुखी नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। दोनों के बीच में अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे ऐसे जनाब है, संयुक्त किसान मोर्चे का पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैसला है कि जहाँ भी बीजेपी जेजेपी सार्वजनिक जगह पर जलसे जलूस प्रदर्शन करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उसका डटकर विरोध करेगा। उसी के तहत ये बीजेपी कांग्रेस के कार्यालय में जाकर कुछ करते हैं, हमने कोई इंटरफेयर नहीं, ये सड़क पर बैठकर सार्वजनिक स्थल के ऊपर कांग्रेस के साथ है या और कोई, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इनको सार्वजनिक जगह पर धरने प्रदर्शन नहीं करने देंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है। उसी फैसले के तहत हम आज इनको काले झंडे दिखा रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम कोई कह रहे
कानूनी नहीं, हम अपने संयुक्त मोर्चे के फैसले के ऊपर अडिग हैं, अडिग रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज जो किसान आए हैं वो किसान नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने उनको बुलाया है अपने समर्थन के लिए, इस पर वो बीजेपी कुछ भी कहे, या दत्ती नागरी डेढ़ एकड़ का किसान हूँ, चार भैंस बांध की दूध बेच की बालक मेरे गुजारा करे से, मैं अपने बताऊं लाग रहा, और मैं किसान नहीं, नंबरदार है ये गांव का, ये किसान नहीं, यो भाई किसान नहीं, वो गेलड़ा मंडा सारा किसान नहीं, ये किसान है, हम टोटली किसान है, इनका प्रचार प्रसार है, इन लोगों ने हमेशा देश की जनता के साथ धोखा किया है, आज़ादी के आंदोलन के अंदर धोखा, अंग्रेजों को लेने वाले ये लोग, उस समय देश के जनता के साथ इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर इन लोगों ने गद्दारी की और इस देश के टुकड़े करने भी इन लोगों का अहम रोल है, और आज इस देश को बंटा धार कर कर तेल पी गया, रेल खा गया, किसानी खा गया, और अब ये कह रहे हैं हम देश भगत हैं, भारत माता की जय, इनको शर्म नहीं आनी चाहते। जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, MSP का गारंटी कानून नहीं बन जाता, हमारे 1000 किसान शहीदों को शहीदी का दर्जा, उसके एक बच्चे को रोजगार नहीं मिल जाता और उसकी फैमिली की पेंशन नहीं बन जाती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और इस आंदोलन जारी रहेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा जहाँ भी ये जाएंगे हम इनका डट कर विरोध करेंगे। गुरु साहब, किसानों की संख्या आज इस विरोध में काफी कम देखी गई है, क्या कारण? ये हमें एट ए टाइम पता चला, मैं यहाँ जा रहा था अस्पताल से, और जब मुझे पता चला, हमें 10-12 ही आज सैटरडे से छुट्टी थी, और टोलू पर हमारी मीटिंगें चल रही हैं 23 तारीख की तैयारी के लिए और 27 की तैयारी के लिए, तो उसके लिए हम गांव-गांव टोलू में जा रहे हैं, हम 15-10 की जानते, हम उसी समय निकल कर यहाँ आ गए और लोग आ रहे हैं। गुरु साहब, 27 को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, हर जिले में RAF की टुकड़ियां, पुलिस बल तैनात कर दी गई है, मंगवा ली गई है, कितना सफल मानते हैं आपके हो पाएगा भारत? हम 100% सफल करेंगे, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हम साइकिल से लेकर जाट तक नहीं चलने देंगे, हम सड़कों पर, बाजार में, व्यापारियों से अपील करेंगे, किसानों से, जनता से अनुरोध करेंगे कि उस दिन बसों का और बाजारों का बायकॉट करिए, सरकारी कार्यालयों का बायकॉट कीजिए, जनता से अपील करते हुए जन संगठनों की हम जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, लोगों की मीटिंगें बुलाएंगे कि आइए इस भारत बंद के अंदर आप लोग सहयोग करें, क्योंकि ये भारत बंद देश की आज़ादी के लिए बंद है, जिस तरह से सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1942 में चलाया था, उसी तरह का ये भारत बंद 27 तरह सितंबर 2021 का होगा, ये दुनिया के इतिहास के अंदर दर्ज होगा, और ऐसा बंद होगा कि गिनीज बुक के अंदर लिखा जाएगा, जिस तरह से मुजफ्फरनगर की रैली आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी रैली किसानी की थी, उसी प्रकार भारत बंद दुनिया का सबसे बड़ा बंद होगा।